हेलो जी, क्या हाल चाल है? सब कुछ बढ़िया है? नेटफ्लिक्स, जियो, पता नहीं क्या कुछ कहाँ 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 रिलीज हुआ है, तो जो जो मैंने देख लिया वो धीरे धीरे आपके साथ शेयर करता रहूँगा। एक एनिमेशन सीरीज आई है, एक्चुअली मूवी आई है, इसका नाम है द मंकी किंग, और हिंदी में भी आपको देखने को मिल जाएगी। छोटी सी है, चाइनीज मैथोलॉजी के ऊपर बेस्ड है कि वहाँ पर मंकी किंग का क्या रेफरेंस था। इसके ऊपर दो तीन सीरीज भी बन चुकी हैं, एक सीरीज तो नेटफ्लिक्स ने खुद ने बनाई थी, फिर अभी एक एक्शन लाइव मूवी भी आई थी। अब इसके अंदर क्या डिफरेंट दिखता है वो हम आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, कि आपको इसका टाइम स्पेंड करना चाहिए, कि आपके घर में कोई ऐसे बच्चे हैं या छोटे भाई बहन हैं जिसके साथ बैठ के आप ये मूवी इंजॉय कर सकते हो, या फिर बड़ों के लिए भी इसके अंदर कुछ है कि नहीं है। कई बार बहुत सारी ऐसी एनिमेशन मूवी बनती हैं जिसके अंदर बड़ों के लिए भी कोई ना कोई लेसन यहाँ पर होता है, तो ये सारी डिस्कशन यहाँ पर करने वाले हैं। तो क्या आपको इसके ऊपर टाइम स्पेंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंदी के अंदर तो ये है ही। तो पहले जैसे मैंने बोला, ये चाइनीज मैथोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, तो जो इसका आठ डायरेक्शन है सोटू से, उसके अंदर आपको चाइनीज रेफरेंसेस बहुत ज़्यादा दिखने वाली हैं। ये जो मंकी है उसको एक विक्ट्री लेके आनी है एक ड्रैगन किंग के ऊपर, और उससे तक पहुंचने से पहले उसको कई सारे डीमंस, 100 डीमंस का सामना भी करना पड़ेगा। वो ऐसा क्यों करना चाहता है, किस लिए करना चाहता है, क्या उसका कोई लार्जर पर्पस है, क्या वो रियल हीरो है जो दुनिया को बचाने निकला है, या फिर कोई उसकी ईगो है, ये सब यहाँ पर आप देखोगे, खुद फिगर आउट करोगे। स्टोरी थोड़ी लीनियर तरीके से चलती है, कोई ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड तरीके से नहीं चलती है। जहाँ पर एनिमेशन ओकेज है, नथिंग वेरी फ्लैशी, बट जो एक्शन सिक्वेंसेज वगैरह हैं वो आपको एंटरटेन जरूर करेंगी, और कहीं ना कहीं आपको कुंफू पांडा टाइप की भी थोड़ी सी याद आपको आ सकती है। अच्छी चीज़ ये है कि इस एनिमेशन के अंदर जहाँ पर आपको ह्यूमन इमोशंस दिखाने भी ज़रूरी हैं बंदर के थ्रू, वो इमोशंस ठीक से इमोट हो पाती हैं और आप तक कनेक्ट ज़रूर करती हैं। और जो चाइनीज़ लुक एंड फील है जैसे मैंने आपको बोला वैसा तो बढ़िया ही है, ह्यूमर भी ठीक ठाक है। मैंने इसको इंग्लिश में देखा, हालांकि हिंदी में भी अवेलेबल है, तो जो इसका डबिंग है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा करिश्मा है, एनर्जी है, पागलपन है, घमंड है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको मज़ा आएगा। स्टोरी की जो खास बात मुझे ये लगी कि कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो कि इस आदमी का मुझे साथ देना भी है कि नहीं देना है एज एन ऑडियंस, तो इट्स नॉट अ वेरी स्ट्रेट काइंड ऑफ अ मूवी के हीरो वर्सेस विलन है, क्योंकि यहाँ पर जिस बंदर को आप देख रहे हो यहाँ पर वो भी कहीं ना कहीं फ्लॉड है, उसके जो पर्पस हैं वो एक टिपिकल सुपर हीरो वाले नहीं हैं, तो वो क्या है वो आप यहाँ पर फिगर आउट करोगे, और बहुत सारी लेयर्स आपको नजर आएंगी, घमंड आएगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा, ओवर कॉन्फिडेंस भी आएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ टीमिंग अप भी आएगा, कॉन्फिडेंट जिंदगी में होने बहुत जरूरी हैं, ये सारी चीजें आएंगी। और कहीं ना कहीं इसको इस तरीके से रखा गया कि बच्चे जो हैं इसको इजीली समझ पाएं, तो ये कहते हुए थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है कि बड़ों के लिए खास कुछ इसके अंदर है नहीं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कार्टून फिल्म की तरह ही ये चल रही है। तो जब मैं देख रहा था एंटरटेन तो हो रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ और देख लेता तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि बहुत ही बचकाना सा मामला यहाँ पर हो रहा है। जो वॉइस ओवर है इंग्लिश का वो कूल टाइप सा है, आप देखोगे आपको सुनाई देने में भी अच्छा लगेगा, म्यूज़िक ओके है, इनफैक्ट आप इतना ज़्यादा इंग्रोस हो जाते हो स्टोरी में कि म्यूज़िक व्यूज़िक इतना कुछ ज़्यादा ध्यान जाता नहीं है। सब प्लॉट्स काफ़ी अच्छे हैं, कई बार सब प्लॉट्स की वजह से डायरेक्शन कहानी के इधर उधर हो जाते हैं। छोटे छोटे सब प्लॉट्स हैं, लाइक जैसे जो उसकी साथी होती है लिन, उसका सब प्लॉट है जो कि ऐड करता है, और वो काफ़ी सारी सीख भी देती है इसको। वो होते ना घर में कोई ना कोई नैक करने वाले, और कई बार कुछ स्टार्स को भी आपने सुना होगा सुनते हुए कि यार घर में ना मेरे बहुत क्रिटिक होते हैं, तो ये इसकी एक क्रिटिक होती है, और वो क्या वैल्यू ऐड करती है मूवी के अंदर वो आप देख सकते हो। मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए अगर बच्चों के नज़रिए से देखूँ तो 8 out of 10 है। अगर मैं ऐसे ऑडियंस के देखूं कि यार एनिमेशन में अगर दोनों के लिए कुछ होता तो ज्यादा अच्छा होता, तो मे बी 6 out of 10। तो दोनों नजरिया अलग है, अगर बच्चों के साथ देखोगे तो इंजॉयबल है, अगर सिर्फ खुद के लिए देखोगे तो शायद इतना ज्यादा इंजॉय नहीं करोगे। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।